हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि मॉनिटरिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारी एप्लीकेशन में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, हमें फ्रंट पर तो वो नहीं देखते लेकिन बैक साइड पर क्या एरर्स आ रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है गाइस, इसके लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो एरर्स को गेट नहीं करेंगे तो हम उनके मुताबिक सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। उन सॉल्यूशंस को इन एरर्स के अगर होने से पहले अगर डिफाइन करना है तो मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉनिटरिंग डेवऑप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है दोस्तों। दोस्तों, इसी के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं ELK स्टैक के बारे में, इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैश और किबाना। ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, हम एक एक चीज़ को डिटेल्ड में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने सफ़र को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। आप सोचेंगे कि मैं अचानक नेटफ्लिक्स पे क्यों आ गया। इन 2021 इंटरनेट मिनट 452,000 आवर्स नेटफ्लिक्स कंटेंट को यूज़र ने स्ट्रीम किया है। दोस्तों, मेरा ये बताने का मकसद है कि इस एप्लीकेशन को कितने लोग एक्सेस करते हैं। ऐसी 10,000 एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पर लोग बहुत ही मात्रा में इनको एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन था कि व्हाई कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवऑप्स लाइफ साइकिल। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशन पर आने वाले ट्रैफिक, उन पर आने वाले यूजर्स जो क्यूरीज जनरेट करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर होनी चाहिए। वो एप्लीकेशन कैसे एक्शन परफॉर्म करती है जब उसके ऊपर लोड आता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवऑप्स यूज टू डिटेक्ट द रिस्क इश्यूज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल एनवायरमेंट। जैसे एप्लीकेशन जब ऑपरेशनल एनवायरमेंट चली जाती है, जब डिप्लॉय हो जाती है, लोग उसको यूज़ करने लगते हैं, तभी एरर आते हैं। इसलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मॉनिटरिंग क्यों करना ज़रूरी है, ELK के थ्रू क्या वजह हो सकती है। गाइस, समझ लें कि मेरी एप्लीकेशन है www.vizmoecommerce.com, जो कि मैंने 3 कंटेनर्स के अंदर डिवाइड की हुई, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, और एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विस में डिवाइड किया हुआ है और यूज़र उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहा है। कभी वो कुछ बाय करता है, कभी कुछ बाय करता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे लॉग्स के थ्रू हासिल करनी पड़ेगी, जो मुझे पता बताएगी कि इस कंटेनर पर ज़्यादा लोड आ रहा है, ताकि मैं उसको स्केल अप कर सकूँ, उसकी लोड बैलेंस कर सकूं। तो इसलिए मॉनिटरिंग के थ्रू ही तो मुझे पता चलेगा कि मेरी एप्लीकेशन पर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, मेरे कौन से कंटेनर पर लोड आ रहा है, ताकि मैं उनको डिफाइन कर सकूं, उसको स्केल कर सकूं। तो गाइस, मॉनिटरिंग इसलिए ज़रूरी थी और मॉनिटरिंग को इसलिए हमें जो है पढ़ने के लिए ELK स्टैक देखना पड़ेगा, क्योंकि ELK बहुत ज़्यादा अभी जो है अडॉप्टेबल है, इसको जो है अडॉप्ट कर रहे हैं और हम इसके अंदर तमाम चीज़ें देखने वाले हैं। ईच एंड एवरी इंस्टॉलेशन बीट्स क्या होती हैं, लॉग स्टैश, इलास्टिक सर्च और किबाना क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कहाँ से क्या जाता है, हम प्रॉपरली इसको देखने वाले हैं। बिल्कुल, हमने इंस्टॉलेशन से लेकर इसकी वर्किंग तक तमाम चीज़ें देखनी है कि कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर कैसे आती है। तो गाइस, आपने जो है सबसे पहले समझना है कि ELK स्टैक क्या होता है। गाइस, ये कुछ टूल्स हैं जिसको मैं तमाम चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, पहले हम ELK स्टैक समझते हैं। ELK स्टैक इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 ओपन सोर्स प्रोडक्ट, यानी कि इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैश, किबाना, जो कि लॉग्स को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम समझते हैं किबाना के बारे में। व्हाट इज़ किबाना? द विजुअलाइजेशन टूल फॉर कलेक्टेड डेटा फ्रॉम मशीन और कंटेनर। हम मशीन यानी कि जहाँ एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वहाँ से आने वाले लॉग्स को इसके अंदर विजुअलाइज कर सकते हैं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे इंस्टॉल होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। करता क्या है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है। ये क्या करता है, बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स यूज़ करता है, यानी कि इसके अंदर ग्राफ होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इंस्टॉल करना है और कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर क्या होता है, विजुअलाइजेशन कैसे होती है, किबाना सिर्फ विजुअलाइजेशन टूल यूज़ करता है, यानी कि उसके अंदर ग्राफ्स होते हैं, आप उसके अंदर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं, आपने जैसे जरा यूज़ किया होगा। ठीक है, ये इलास्टिक सर्च और लॉग स्टैश को यूज़ करते हुए आपको डेटा सिर्फ दिखा देता है, नथिंग एल्स। कैसे काम करता है, ये इलास्टिक सर्च को बोलता है कि भाई आपके पास क्या डेटा है, इलास्टिक सर्च प्लीज़ गिव मी सम डेटा,
प्लीज़ मुझे डेटा दो। इलास्टिक सर्च बोलता है श्योर मैं आपको देता हूँ। तो समझ लेते हैं इलास्टिक सर्च कैसे काम करता है। इलास्टिक सर्च कैसे काम करता है कि उस इलास्टिक सर्च की डेफिनेशन है, इलास्टिक सर्च इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एंड ओपन सोर्स एनालिटिक्स इंजन। ये डेटा को एनालिटिक्स करता है, ऑल टाइप ऑफ डेटा, कौन सा डेटा, टेक्सचुअल हो, न्यूमेरिकल हो, जो स्पेशल हो, स्ट्रक्चर्ड, नॉन अनस्ट्रक्चर्ड, सारे डेटा को इलास्टिक सर्च कलेक्ट करता है और किबाना को देता है, और किबाना हमें डैशबोर्ड की सूरत में दिखा देता है, जिसको आप डेवलपर्स को विजुलाइज करके दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पर एरर आ रहा है, ये वाला कंटेनर स्लो चल रहा है, वाले कंटेनर के अंदर लोड ज्यादा पड़ रहा है, आप उसको ज्यादा करो। इलास्टिक सर्च तक डेटा कौन लेकर आता है गाइस? लॉगस्टैश। लॉगस्टैश क्या होता है? लॉगस्टैश इज अ लाइटवेट ओपन सोर्स सर्वर साइड डेटा प्रोसेस पाइपलाइन। ये डेटा को अलग अलग फाइल से आपके एक्सेस लॉग और एरर लॉग वाली जो फाइल होती है वहां से कलेक्ट करता है और आपको ला कर देता है। लॉगस्टैश उन अंदर से मशीन से जो है डेटा को डेफिनेशन के हिसाब से लेकर आता है और आपको शो कर देता है, इलास्टिक सर्च को देता है और इलास्टिक सर्च आपको दिखा देता है। तो प्रोसेस क्या होता है? लॉगस्टैश एक फाइल जो हम इंस्टॉल करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। लॉग फाइल, आप लॉगस्टैश जब इंस्टॉल किया जाता है उसकी एक फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप ENV फाइल्स वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वैसे उसके अंदर इनपुट प्लगइन्स होते हैं। इनपुट प्लगइन की सेटिंग क्या होती है? नथिंग एल्स, सिर्फ फाइल्स होती हैं जिसको हम सेटअप करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है, काफ्का की क्यू हो सकती है, मेल ईमेल्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, कौन आ रहा है, कौन यूज़र है, हम लॉगस्टैश से तमाम चीज़ें गेट कर सकते हैं। वो क्या करता है, इनको कन्वर्ट करता है HTML, JSON, CSV, XML और JSON की फॉर्मेट में, और हमें जो है इलास्टिक सर्च पे देता है और हम उसको किबाना में विजुलाइज कर सकते हैं। तो लॉगस्टैश क्या क्या डेटा यूज़ करता है कि उस कौन यूज़र यूज़ कर रहा है उस मशीन को, उस कंटेनर पे क्या हेड्स आ रही हैं, काफ्का में है, इलास्टिक में है, उस पर क्या ईमेल्स आ रही हैं, वहाँ से क्या ईमेल जा रही है, वहाँ पर क्या एंड पॉइंट्स हैं HTTPS की जो हिट हो रहे हैं, मतलब कंटेनर पे होने वाली तमाम चीज़ों को लॉगस्टैश इलास्टिक सर्च को देता है। इलास्टिक सर्च उसको क्यूरीज बना बना कर किबाना को देता है और हम यूज़ करते हैं। तो फिर किबाना में हम क्या क्या मजीद कर सकते हैं गाइस, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में एक्सपेक्ट के बारे में बताऊंगा। आज मैंने आपको बहुत शॉर्टली पूरे स्टैक के बारे में बताना था, इसलिए मैंने आपको शॉर्टली बताया। इलास्टिक सर्च और किबाना में आने का फ़ायदा क्या है? किबाना के अंदर हम SQL की क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं, जो कि इवन हमें लॉग्स को दिखा रहे होते हैं। इस डीप में हम जा सकते हैं लॉग्स को सर्च करने के लिए, हम स्पेसिफिकली अपने तमाम लॉग सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो SQL की क्यूरीज भी दिखाता है कि हम SQL की क्यूरीज लिखकर अपने किबाना के अंदर, अपनी मशीन के अंदर होने वाली तमाम रद्दोबदल, उसके अंदर अकर होने वाले तमाम एरर, उसके अंदर अकर होने वाली तमाम चीज़ों को SQL की क्यूरीज से गेट कर सकते हैं। यहाँ जो है SQL API यूज़ करता है इलास्टिक सर्च, और जो है आप क्यूरीज लिखते हैं और वो API रिटर्न करता है और आपको जो है तमाम चीज़ें जो आपकी API में रिस्पांस आ रहा होता है, जो गेट कर रहे होते हो या पोस्ट कर रहे होते हो, वो आपको वहाँ पर दिखा देता है किबाना के अंदर। तो गाइस ये SQL क्यूरीज पर था, जो कि एक्सपेक्ट यूज़ करता है। मैंने आपको शॉर्टली और बहुत फास्टली तमाम चीज़ें बताई हैं गाइस। इलास्टिक सर्च के SQL में क्या होता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपको बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होता है, क्योंकि आपने मशीन के अंदर जाकर एक्सेस और एरर लॉग्स के अंदर नहीं देखना होता, आपके बाना के ऊपर ही जाते हो, सारी SQL की क्यूरीज लिखते हो और अपनी तमाम एप्लीकेशन के अंदर होने वाली रद्दोबदल, उसके अंदर होने वाले एरर्स और तमाम चीज़ें ले आते हो। अब बात करते हैं दोस्तों बीट्स की, बीट्स क्या होते हैं गाइस। लॉगस्टैश की तरह बीट भी एक जो है उसकी मॉडिफिकेशन है। पहले लॉगस्टैश यूज़ होता था कि लॉगस्टैश क्या करता है, तमाम चीज़ें ला कर दे देता है, लेकिन बीट्स क्या होता है, बीट आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो, लॉगस्टैश भी करते हो, लॉगस्टैश इसके साथ रहता है, लेकिन लॉगस्टैश ओवरऑल देता है, लेकिन हम बीट्स के थ्रू स्पेसिफिक यानी कि कुछ कुछ मॉड्यूल्स के लॉग्स ले सकते हैं जिसकी हमें नीड है, हम तमाम चीज़ें नहीं लेना चाहते, तो हम बीट्स के थ्रू वो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स का लॉग्स ले सकते हैं। अब इन वो मॉड्यूल्स क्या हो सकते हैं कि हम
फॉर एग्जांपल एक बिट है फाइल बिट, हम उसके अंदर क्या चीज़ें गैड कर सकते हैं, हम अपने माई सिक्वल का डेटा यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो कंटेनर में हो या मशीन में हो, हम चाहते हैं कि हमें माई सिक्वल का डेटा मिले, तो हम फाइल बिट के थ्रू माई सिक्वल को सेटअप कर सकते हैं कि माई सिक्वल का डेटा वो हमें किवाड़ा पे दिखाने लगे। और ये कैसे काम करेगा, यकीनन ये तमाम बिट्स पहले लॉग स्टैश को भी देंगी और इलास्टिक सर्च को भी देंगी, दोनों को भी दे सकती हूँ या फिर आप इलास्टिक सर्च तक भी भेज सकते हो बिट्स से, ठीक है। फाइल बिट क्या करती है, लॉग फाइल दिखाती है, यानी कि एक्सेस और एरर लॉग से दिखा रही होती है। मैट्रिक बिट क्या करता है, कलेक्ट सिस्टम एंड सर्विस मैट्रिक, मेमोरी मशीन की क्या मेमोरी है, सीपीयू की क्या यूटिलाइजेशन हो रही है, एंजिनिक्स चल रहा है उसके अंदर क्या चल रहा है, वो मैट्रिक आप बीट आपको बता रहे थे। तो ये देखें बीट आपको इस तरीके से आपको सेंड कर रहे होते हैं और आप तमाम चीज़ें विजुलाइज कर रहे होते हैं। पैक बीट है, ऑडिट बीट है, हार्ड बीट है, जो कि आपको मॉनिटर सर्विस अप टाइम कि वो सर्विस कब से अप टाइम है, कब से उस चल रही है। तो गाइज ये आपको एक ओवरऑल आर्किटेक्चर दिखा रहा हूँ कि लॉग्स और जो है बीट इलास्टिक सर्च को डेटा करते हैं, इलास्टिक सर्च उसको एनालाइज करता है, स्टोर करता है अपने पास और फिर वो किबाना को एक सिक्वेंशियल फॉर्म में दिखाता है। किबाना उसको क्यूरी करता है कि भाई मुझे ये डेटा दिखाना है तो तू मुझे ये डेटा दे, इलास्टिक सर्च किबाना को ये डेटा देता है और इलास्टिक सर्च खुद लॉग स्टैश और बीट से ये डेटा लेकर आ रहा होता है। तो गाइस मैंने आपको बहुत ही स्पीडी वे में ये तमाम चीज़ें समझाई हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और अभी हम आने वाली वीडियोज़ में इसको कम्प्लीटली इंस्टॉल करने वाले हैं कि बारा कैसे काम कर रहा है, कैसे इलास्टिक सर्च से ले रहा है और इलास्टिक सर्च कैसे लॉग स्टेज से और बीट से अपने अंदर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, मशीन से कैसे डेटा उठकर आना है और हम किबाना में कैसे दिखाएंगे, किबाना के अंदर हम डैशबोर्ड को कैसे सेटअप करेंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेक्ट कैसे काम करता है और तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो गाइज ये था आपका ELK स्टैक, यानी कि इलास्टिक सर्च लॉग स्टैश और किबाना। अब इसके नाम को ELK स्टैक से हटाकर इलास्टिक स्टैक कर दिया क्योंकि इसके अंदर मज़ीद टूल्स की कंट्रीब्यूशन हो रही है, ये बहुत इन डिमांड टूल हो गया है डेवऑप्स का। आप अगर देखेंगे तो सिर्फ ELK भी आप पढ़ लेते हैं तो उसकी भी सिर्फ जॉब आपको जो है मिल जाएगी। तो ये था ओवरऑल कंक्लूजन कि डेटा इंजेक्शन होगी लॉग्स और बीट लॉग स्टैश और बीट में, इलास्टिक सर्च आपको एनालाइज करेगा, अपने अंदर डेटा स्टोर करेगा और आप उसको किबाना के अंदर विजुलाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, मैंने आपके लिए ये जितना शॉर्ट हो सकता था शॉर्ट करके आपको तमाम चीज़ें गाइड कर दी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never